गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। इन्वायरमेंट स्टडी इट मीन्स एनवायर से ही बनी है और ये ईवीएस का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है तो आप बोलेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी। ओके, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ये तो आप जानते हो। आप कहेंगे जो हमारे आसपास है वो सभी तो इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में ही है, पर बेटा इससे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या मिला और इसमें हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशल और नेचुरल और कल्चर, ये जब तीनों एक साथ जब मिलता है तो वो आपको कंप्लीट करता है एनवायरमेंटल स्टडी को। जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसमें जो नेचर ने हमें दिया है, जैसे एनिमल है, प्लांट है और मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। सोशल में जो हमारा नेबरहुड है, जैसे कि बैंक है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन सभी के बारे में और भी जो कुछ है इन सभी के बारे में हम उसमें स्टडी करते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट में आता है आपका ट्रेडिशनल है, आपका जो फूड्स है, आपके क्लॉथ है, कैसे बने, क्या हुआ, तो ये सारा मिला के एक कंप्लीट एक पार्ट बनता है, उसी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके बेटा, तो आपको समझ आ गया होगा एनवायरमेंटल स्टडी क्या होती है और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाउ स्टार्ट। चैप्टर 1, फैमिली एंड रिलेशनशिप। फैमिली बेटा क्या होती है? वी लिव इन ए होम विद अवर मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी एक्सेट्रा। तो इन सभी के साथ जब हम रहते हैं तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फैमिली कहते हैं। और इनके आपस में हमसे क्या रिलेशन होता है? जैसे मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं? अंकल। तो ये जो रिलेशन वाले नाम है वो रिलेशनशिप कहलाती है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हेलो, आई एम भावना, आई एम इन क्लास 5th। अंशुल इज माई ब्रदर, वी लिव विद अवर पेरेंट्स। ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन वी विजिटेड अवर होम टाउन राजकोट इन गुजरात। राजकोट कहाँ है बेटा? गुजरात में है। और ये सब अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं और समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाने वाले हैं? आप अपने होम टाउन में। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, माई अंकल्स फैमिली आल्सो लिव विद देम। माई अंकल हैज टू चिल्ड्रन, कनिष्क एंड गौरी, दे आर माई कजन। तो बेटा कजन कौन हुए? जो अंकल के चिल्ड्रन हैं उनको हम कजन कहते हैं। इट इज ए बिग फैमिली, दे ऑल लिव इन ए बिग हाउस। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ सिर्फ कौन है? मम्मी पापा और चिल्ड्रन। तो इट कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, देन वी कॉल इज न्यूक्लियर फैमिली। ओके, और जहां पर ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ और अंकल आंटी, जहाँ ये सभी रहते हैं उसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। ओके, तो वी हैड ए वेरी नाइस टाइम एट राजकोट, वी एंजॉयड द कंपनी ऑफ आवर कजन्स एंड वी हैड ए वंडरफुल टाइम लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर। वो क्या कह रहे हैं? जब हम वहाँ गए तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छी कंपनी मिली। जैसे आप अपने भाई बहनों से मिलकर मस्ती करते हो ना, ऐसे ही उन्होंने आपस में बहुत मस्ती की और गेम खेले। वी मीट मेनी ऑफ आवर रिलेटिव्स हुम वी हैड नेवर सीन बिफोर। हम ऐसे रिलेटिव से भी मिले जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था। दे वर वेरी एगर टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंस of living in a place away from our hometown। वो कह रहे थे कि वो हमें बताना चाह रहे थे कि उनका experience कैसा रहा अपने घर से दूर जाकर। Knowing about relatives, my elder aunt यानी father's sister, जो father की sister होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? बुआ। तो उसको हम English में aunt कहते हैं। Is married and
लीव्स विद हर हस्बैंड इन मुंबई. तो वो कहाँ रहती है एल्डर आंट आपकी, उसकी मुंबई में रहती है. हर हस्बैंड माई अंकल, उसके अंकल को हम क्या कहेंगे, सॉरी उसके हस्बैंड को हम क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे. और ऐसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, फूफा जी, है ना. इज ए कंप्यूटर इंजीनियर इन मुंबई. दे हैव टू चिल्ड्रन, उत्सव एंड रूमी. माई यंगर आंट यानी कि छोटी बुआ इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर. शी लिव विद हर फैमिली इन अंबाला. दे हैव टू चिल्ड्रन, सिद्धांत एंड नताशा. आई हैव नॉट सीन देम फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर. वो कह रही है कि मैंने इन लोगों को 2 साल से नहीं देखा है. सो माई ग्रैंड फादर टुक आउट एन एल्बम फ्रॉम हिज अलमीरा एंड शोड मी देयर रिसेंट फोटोग्राफ. इसलिए मेरे जो फादर ग्रैंड फादर है उन्होंने एक अलमीरा से क्या निकाली, एल्बम निकाली और मुझे उनके जो रिसेंट फोटोग्राफ है कि भैया वो कैसे लगते हैं, कितने बड़े हो गए, वो उन्होंने मुझे दिखाया. अब इसको समझने के लिए कि उसकी फैमिली कितनी बड़ी है, क्या है, आज हम ये भावनास फैमिली ट्री डायग्राम के द्वारा बेटा समझेंगे. वेब चार्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली ये समझ सकते हो कि यहाँ पर किसका रिलेशन क्या है और आप उसे अपने आप से समझा भी सकते हो. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी पापा और बुआ वगैरह ये कितने भाई बहन है, ऐसे जो भावनास फादर हैं उनके कितने भाई बहन है, वो जैसे उनके फादर भावना के, फिर अंकल, फिर एल्डर आंट, यंगर आंट एंड यंगेस्ट अंकल. यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे उनके भाई. ठीक है, अब भावना मदर फादर के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रंस, भावना एंड अंशुल. अंकल और आंट कहाँ वाले बेटा, राजकोट वाले. तो इनके कितने बच्चे हैं, 2, गौरी और कनिष्क. थर्ड एल्डर आंट जो कहाँ रहती है, मुंबई में. इनके कितने चिल्ड्रन है, उत्सव एंड रूमी, 2. यंगर आंट यानी कि छोटी बुआ वो कहाँ रहती है बेटा, अंबाला में रहती है. और इनके 2 बच्चे हैं, सिद्धांत और नताशा. USA में इनके यंगेस्ट अंकल रहते हैं जिनके 1 ही बच्चा है, वो है निशांत. इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो देखो इजीली आपने यहाँ समझा कि इनके जो भावना के फादर हैं उनके कितने, ये सभी मिलकर 5 बहन भाई हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज़ द ग्रैंड पेरेंट्स, 5, है ना. 5 बहन भाई हैं और इनकी 2 बहनें ये और ये 3 भाई हैं. इजीली आपने समझ लिया. अब जो भावनास अंकल हैं तो अंकल के भावना और अंशुल क्या हुए बेटा, इन सभी के भावना और अंशुल क्या हुए बताइए. भावना क्या हुई, नीज हुई, और अंशुल क्या हुआ, नेफ्यू हुआ, है ना. और इसी तरह से यहाँ पर गौरी और अंशुल इसके फादर के ये क्या हुए, नीज और नेफ्यू हुए. ऐसे आपस में आप इनके रिलेशन को समझ सकते हैं. दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि भावनास फादर के ये कौन है, जो बहन है वो कौन होगी, भावना की बुआ होगी, है ना. तो इस तरह से आपस में इनके इस वेबचार्ट के द्वारा आप रिलेशन को इजीली समझ सकते हैं. आप इसी तरह का एक वेबचार्ट आप खुद अपनी फैमिली का बनाना, ये आपका होमवर्क है, ताकि आप इजीली इस रिलेशनशिप को समझ सकें. जय हिंद.